रूस और यूक्रेन के बीच उबलता दुश्मनी का ज्वालामुखी कभी भी फटकर पूरी दुनिया में तबाही फैला सकता है, क्योंकि ये तनाव दो देशों के बीच का नहीं है बल्कि ये तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक भी है। एक ओर अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस, लेकिन चीन ने भी पूरे मसले पर अपनी पैनी नजर रखी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पुतिन के बीच यूक्रेन को लेकर आए दिन जुबानी जंग होती रहती है, लेकिन ये जुबानी जंग कब गोला बारूद और मिसाइल की जंग में बदल जाए इसके बारे में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पहले जान लेते हैं आखिर ये मुद्दा क्या है। साल 1991 में सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद यूक्रेन एक अलग देश बन गया था। सोवियत रूस के टुकड़े भले ही हो गए थे, लेकिन रूस अपने देश के इस विभाजन को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया। सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद कई देश ऐसे भी थे जहां के लोगों का झुकाव रूस की ओर ही था। यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया में भी रूस के प्रति लोगों का काफी झुकाव था। जब यूक्रेन ने यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंध बनाने शुरू किए तो इन्हीं संबंधों को लेकर यूक्रेन के अंदर विरोध शुरू हो गया और यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा। रूस को मौके का इंतजार था। मार्च 2014 में रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक रूस और यूक्रेन के बीच हुए संघर्ष में साल 2014 से लेकर 2020 तक 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इस संघर्ष को डॉनबस वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भी सीधे सीधे लड़ाई हुई और दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे के बॉर्डरों को कई बार पार किया। केवल सेना ही नहीं, यूक्रेन और रूस की तरफ से कई लड़ाकों ने भी इस लड़ाई में भाग लिया। क्रीमिया में रूस समर्थित विद्रोहियों ने कई बार यूक्रेनी सेना और वहां के लोगों को अपना निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन का साथ चेचन्या विद्रोहियों ने दिया और उन्होंने कई बार रूसियों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार डाला। हाल ही की तस्वीर में यूक्रेन का दावा है कि रूस के 90,000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन की सीमा पर जुटे हुए हैं और उसे खुद पर हमले का खतरा लग रहा है। दूसरी ओर रूस के मुताबिक यूक्रेन ने 1,20,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रखा है और वो पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में लगा हुआ है। यूक्रेन अमेरिका से सीमित संसाधन होने की वजह से मदद मांगता है। अमेरिका और रूस की दुश्मनी जग जाहिर है। आए दिन क्रीमिया को लेकर अमेरिका रूस के खिलाफ बयानबाजी करता है और ठीक वैसे ही रूस भी यूक्रेन के अमेरिकी समर्थन को लेकर करता है। 2015 में फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता के साथ रूस और यूक्रेन में शांति कायम रखने को लेकर एक समझौता हुआ था जिसे मिन्स्क समझौता कहा गया था, जो अभी भी जैसे तैसे कायम है। सितंबर 2014 से 2015 तक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन और रूस के बीच 12 बिंदुओं पर समझौता हुआ, जिनमें अहम बातें हैं, दोनों देश बंदी बनाए गए लोगों को एक दूसरे को वापस करेंगे, दोनों देशों के बीच मानवीय सहायता जारी रहे, बड़े हथियारों की बॉर्डर से वापसी तय हो, बाहरी लड़ाकों को दोनों देश से वापस भेजा जाए, लड़ाई में शामिल दोनों ओर के लोगों को आम माफीनामा। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच चल रहे विवाद में भारत का झुकाव रूस की ओर ज्यादा है, हालांकि भारत ने इसे पूरी तरह से जग जाहिर नहीं होने दिया है और खुद को निष्पक्ष दिखाने की ही कोशिश की है। लेकिन जब भी संयुक्त राष्ट्र में क्रीमिया को लेकर कोई प्रस्ताव आया है तो वहां पर भारत ने रूस का ही साथ दिया है। हालांकि अगर हालात खराब होते हैं तो रूस और भारत के व्यापारिक संबंधों पर इसका फर्क पड़ेगा कि अभी भी अमेरिका ने रूस से सामान खरीदने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। भारत और रूस के बीच $10 बिलियन का व्यापार है जिस पर इस संघर्ष का असर पड़ सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.